दोस्तों का दुनिया से मैं विनीबा फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कंपैरिजन वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्कोडा कुशाक के दो वेरिएंट्स। आज हम कंपेयर करेंगे इसका बेस एंड वेरिएंट एक्टिव, जो कि आप राइट साइड पे ये गाड़ी देख रहे हैं ऑरेंज कलर की, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप रेड कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका एम्बिशन वेरिएंट एक्टिव। दोस्तों इसका बेस एंड वेरिएंट है और एम्बिशन जो है ठीक एक उसके ऊपर वाला वेरिएंट है। आज हम बताएंगे आपको इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या है फीचर डिफरेंसेस, साथ में ये भी बात करेंगे इनमें आपको मिल जाएगा कितना प्राइस में डिफरेंस, तभी आपको समझ में आएगा कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। दोस्तों इसमें अगर हम इंजन्स की बात करेंगे तो एक्टिव में आता है 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन में वहीं पे जब हम एम्बिशन की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आ जाएगा। यानी यहाँ पे दो चॉइसेस मिल गई ट्रांसमिशन में, यहाँ पे आपको मिलेगी एक चॉइस। तो चलिए अब बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, हम फोकस करेंगे दोस्तों सिर्फ इन दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस में। मैंने दोनों गाड़ियों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम दोनों का फ्रंट कंपेयर कराते हैं तो बढ़ते हैं एक्टिव की तरफ। तो ये देखिए ये है कुशाक एक्टिव, आप फ्रंट से चेक कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको हेडलैम्प्स मिल जाएंगे हैलोजन बेस्ड। यहाँ पे देखिए येलो कलर की लाइट्स के साथ ये दो हाई बीम लो बीम के लैंप्स दिए हुए हैं। इसके अलावा जो DRL लाइट्स की पोजिशनिंग दे रखी है वो इधर नीचे की तरफ मिल जाएगी। बाकी अगर आप नीचे आर्मर यानी स्किड प्लेट्स पे ध्यान देंगे तो ये देखिए इसमें ब्लैक कलर का दिया हुआ है। वहीं पर जब बढ़ेंगे हम इस गाड़ी के एम्बिशन वेरियंट की तरफ ऊपर वाले वेरियंट, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फ्रंट लुक ये है आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस निकलेगा और बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएंगे LED हेडलैम्प्स और DRL लाइट्स की पोजीशनिंग भी देखिए हेडलैम्प्स के अंदर ही इंसर्ट कर रखी है। ये देखिए DRLs ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और उसी के नीचे आपको मिल जाएंगे फ्रंट के फॉग लैम्प्स विद स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आएंगे, यानी जब हम गाड़ी को टर्न करेंगे उस साइड पे ये फोकस देंगे। तो यहाँ पे इसकी लाइट ज़्यादा बेटर हो गई हैं एक्टिव वेरिएंट से। इसके अलावा जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो आर्मर्ड है यानी इसकी प्लेट्स हैं ये देखिए सिल्वर फिनिश की मिलेंगी, तो ये ज़्यादा फ्रंट से इस गाड़ी को स्पोर्टी बना रही हैं एक्टिव के मुकाबले। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक्स में जो भी डिफरेंसेस थे वो चेक कर लिए, फीचर्स चेक कर लिए। चलिए बढ़ते हैं इनके साइड प्रोफाइल की तरफ। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एक्टिव वेरिएंट को आप साइड से। यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा दोस्तों डिफरेंस है इनके व्हील्स में। ये देखिए इसमें स्टील व्हील्स मिलेंगे विद फुल व्हील कैप्स। और टायर साइज चेक करवा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये दे रखे हैं 8-16 इंच में 205/60 8-16 इंच के व्हील्स मिलेंगे। वही हम बात करेंगे एम्बिशन वेरिएंट की, तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल आपके सामने। यहाँ पे डिफरेंस है इनके एलॉयज़ में। ये देखिए ये व्हील्स ज़्यादा बेटर हो गए, ज़्यादा खूबसूरत हो गए और साथ में ज़्यादा मजबूत भी हो गए, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएंगे एलॉय व्हील्स। बाकी साइज़ वाइज दोनों सेम है, यहाँ पे देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है। 205/60 8-16 इंच का ये भी व्हील मिलेगा। इसके बाद और साइड प्रोफाइल के डिफरेंस की बात करेंगे तो दोस्तों टॉप पे जब हम चेक करेंगे इसके एक्टिव वेरिएंट को, तो ये देखिए इसकी जो रूफ रेल्स रखी हैं ये ब्लैक कलर की हैं। वहीं पे इस गाड़ी की रूफ रेल्स यानी एम्बिशन वेरिएंट की रूफ रेल्स जो हैं वो देखिए सिल्वर फिनिश की आ जाएंगी। अगेन इस गाड़ी को साइड से देखिए ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। तो यहाँ पे हमने इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल चेक कर लिए, व्हील्स में डिफरेंस है और रूफ रेल्स में। चलिए आ जाते हैं इनके रियर यानी बैक को एक्सप्लोर करने। दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं कुशाक एक्टिव वेरिएंट को पीछे से। यहाँ पे रियर में जो हम चेक करेंगे टॉप पे, तो देखिए इसमें पोल टाइप यानी माइक्रो रूफ एंटीना मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पीछे भी, ये देखिए जिसकी स्किड प्लेट्स हैं ये ब्लैक कलर की हैं और इसमें दोस्तों सिर्फ सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए कैमरे का कोई भी लेंस प्लेस नहीं किया गया है। बाकी बढ़ते हैं हम जरा इसके एम्बिशन वेरिएंट की तरफ और रियर लुक चेक करवा दूँ। तो ये देखिए सबसे जब हम एक बार आपको पहले तो लुक दिखा दें टॉप की बात करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना। तो ये एंटीना ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा बहुत ही अच्छा फीचर है, बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये देखिए रियर वाइपर और डिफॉगिंग लाइन्स दे रखी हैं। जब भी पीछे का ग्लास गंदा हो जाएगा और अगर फॉग जम जाएगा तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मदद करेंगी इसको हटाने में, जो कि मुमकिन नहीं है इसके एक्टिव वेरिएंट में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्किड प्लेट्स चेक कर लीजिए, ये देखिए सिल्वर फिनिश की है फ्रंट की तरह, ये रियर से खूबसूरत बनाती हैं इस गाड़ी को। और अच्छी चीज़ है इसमें देखिए कैमरे का लेंस भी दिया हुआ है, यानी जब गाड़ी को बैक करेंगे तो सेंसर्स एंड कैमरा दोनों वर्क करेंगे, एक्टिव में सिर्फ सेंसर्स काम करते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया इन गाड़ी में जो भी एक्सटीरियर में
फीचर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको चेक करा दिए। चलिए चलते हैं इनकी कीज चेक करते हैं और इंटीरियर्स की करते हैं बात। दोस्तों ये है कोसाक एक्टिव वेरिएंट की की। इसमें आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की है और जब मैं इस गाड़ी को लॉक अनलॉक करूंगा तो इसके मिरर्स में मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आते हैं मैनुअल फोल्डिंग मिरर्स। यहाँ पे आपको ओपन क्लोज जो हैं इनके मिरर्स को ये मैनुअल करना पड़ेगा। इसके अलावा एडजस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पे इन बटन से कर सकते हैं। मैं ज़रा इसके इग्निशन को ऑन कर देता हूँ और फिर कंपेयर कराता हूँ डिफरेंसेस को। तो ये देखिए, ये है आप एक्टिव वेरिएंट अंदर से चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसकी अगर डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो एक झलक आप इसके डैशबोर्ड को अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे फिनिश डिज़ाइन आपके सामने है। अभी इसके फिनिशिंग में डिफरेंस निकलेगा जब हम देखेंगे एम्बिशन वेरिएंट। यहाँ पे इसकी हम सीटें आपको चेक करा देते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें आपको दोस्तों फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। दोस्तों डोर की बात करेंगे तो देखिए इनसाइड डोर हैंडल्स जो हैं यहाँ पे देखिए ब्लैक फिनिश के दे रखे हैं एक्टिव वेरिएंट में। इसके अलावा जिसके ड्राइविंग साइड का विंडो है, इसको मैं जहाँ पे भी रोक रहा हूँ इसका ग्लास वहीं पे रुक रहा है। बाकी एक झलक आप इधर भी देख लीजिए नीचे साइड पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया आगे की इंटीरियर कलर थीम, मैंने आपको चेक करा दी और कुछ फीचर्स दिखा दिए। अब चलते हैं एम्बिशन वेरियंट की तरफ डिफरेंसेज ढूंढने। दोस्तों ये है कोसाक एम्बिशन वेरियंट की। यहाँ पे दोस्तों की पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक्टिव और एम्बिशन दोनों में ही रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की आती है। लेकिन जब हम गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं उस वक्त यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। ये देखिए, इसके आउटसाइड मिरर्स जो हैं ये ऑटोमेटिक हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक के टाइम पे ओपन क्लोज हो रहे हैं। साथ में इलेक्ट्रिक फोल्डिंग भी हैं, तो आप बाद में भी चाहें इनको ओपन क्लोज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। अब आते हैं इंटीरियर की तरफ। ये देखिए, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर आपके सामने। मैं ज़रा इग्निशन को ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके फिनिशिंग की तो देखिए बेटर फिनिश मिलेगी एक्टिव वेरिएंट से। ये देखिए, यहाँ पे प्रीमियम लुक है। इवन जो आप ये एम्बियंट मूड लाइट देख रहे हैं, ये भी इस गाड़ी के इंटीरियर्स को खूबसूरत बना देती हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसके बाद स्टेयरिंग भी इसका ज़्यादा प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा। फिनिशिंग भी आप चेक कर लीजिए, ये देखिए क्रोम इंसर्ट्स के साथ है, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, तो स्टेयरिंग ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यानी इंटीरियर जब आप बैठेंगे एम्बिशन वेरियंट में तो आपको ज़्यादा प्रीमियम फील आएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी सीटें आपको चेक करवा देते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें डिज़ाइन भी ज़्यादा स्पोर्टी दी हुई है। ये भी फैब्रिक मटीरियल पर, लेकिन ये देखिए स्ट्राइप्स रखी हैं जो कि इसकी सीटों को स्पोर्टी लुक देती हैं। इसके बाद अगर हम डोर्स चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये भी ज़्यादा इसके हैंडल्स जो हैं प्रीमियम हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोम हैंडल्स मिल जाएंगे इनसाइड डोर हैंडल्स। इसके बाद नीचे की तरफ जब चेक करेंगे तो ये देखिए, इधर आपको मिलेगी ये एक इलास्टिक दे रखी है, इसके पीछे मैगजीन्स वगैरह या कोई भी चीज़ को लगा सकते हैं। ये भी मिसिंग है इसके एक्टिव वेरिएंट में। बाकी इसके जो ड्राइविंग साइड का विंडो है दोस्तों, वो वन टच डाउन दिया है। ये देखिए, एक बार में ही पूरा नीचे आ गया और ये वन टच अप है विद बाउंस बैक फीचर। मेरे हाथ को सेंस किया, रोल बैक कर गया। तो ये भी फीचर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। तो यहाँ पे हमने देख लिया इनके फीचर डिफरेंसेस। एक और डिफरेंस बता देता हूँ, तो इसमें फ्रंट की साइड पे यहाँ पे देखिए ये स्किड प्लेट्स रखी हैं, जिसमें ये देखिए कोसाक को मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे इस गाड़ी को ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है इसके अपर वेरिएंट को। तो यहाँ पे जो भी इस साइड पे डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी केबिन का भी डिफरेंस थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले ज़रा आपको इसका बूट चेक करा दूँ, क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों डिफरेंस है। ये मैंने ओपन कर दी इसके एम्बिशन वेरिएंट की बूट। अब आ जाते हैं हम एक्टिव वेरिएंट की तरफ और यहाँ पे देखिए, ये है इस गाड़ी का बूट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओपन स्पेस है, कोई भी पार्सल ट्रे इसमें कंपनी फिटेड नहीं आती, सिर्फ आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अलग से आपको पार्सल ट्रे को परचेज करके लगवाना पड़ेगा। इसके बाद अगर इसकी पीछे की सीटिंग की बात करेंगे तो ये बेंड करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगी। देखिए पूरी एक बार में बेंट होगी, यहाँ पे 60-40 स्प्लिट फीचर इसमें नहीं मिलेगा। वहीं पे बात करेंगे जब हम इसके एम्बिशन वेरिएंट की, तो देखिए पार्सल ट्रे इसमें कंपनी फिटेड आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर ये लगी हुई है डिगी यानी इसका टेल गेट है वो बंद है, तो उस वक्त बाहर से जो भी लगेज आपने यहाँ पे रखा हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। तो एक तरीके से ये सेफ हो गया। इसके बाद जो है दोस्तों, जो ट्रे होती है ये एसी की कूलिंग को इस कंपार्टमेंट में आने से रोकती है, क्योंकि यहाँ पे कूल होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये डिफरेंस है, पार्सल ट्रे अच्छा फीचर होता है जो कि इसमें कंपनी फिटेड आता है। ये डिटैचबल है, हटाना चाहे हट सकती है।
और अच्छा फीचर इसमें एक और मिल जाता है, इसकी जो सीट है ये 60-40 स्प्लिट है, यानी हमने अभी 60% को बेंड कर दिया, इधर हम लगेज रख सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे एक्टिव में था पूरी बेंट हो गई, वैसे भी इसमें बेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चॉइस मिल गई, आप अपने हिसाब से सीट को पोर्शन वाइज बेंड कर पाएंगे। तो ये हैं फीचर डिफरेंसेस इन दोनों वेरिएंट्स के बूट में। चलिए सब चीज़ अपनी जगह सेट कर देते हैं हम और बढ़ते हैं केबिन साइड के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफरेंसेस सारे आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक्टिव वेरियंट, ये आप बैक सीटिंग चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें दोस्तों सेंटर पर कोई भी आर्मरेस्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये देखिए। यहाँ पे मैं सिर्फ डिफरेंसेस फोकस करूँगा आपको, और इसके बाद अगर हम पीछे की सीट पे बैठेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी चार्जिंग पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट में। बाकी ऊपर साइड देख लीजिए, और एक और चीज़ बता दूँ तो देखिए इसमें यहाँ पे आगे की सीटों के पीछे की तरफ कोई भी देखिए पॉकेट्स नहीं है, इवन इस साइड पर भी नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर हमने चेक कर ली इसकी बैक सीटिंग, अब चलते हैं डिफरेंसेस ढूंढने के लिए एम्बिशन वेरियंट की तरफ। मैं आ गया कुशाक एम्बिशन वेरिएंट, ये देखिए आप पीछे से चेक कर रहे हैं, बैक डोर आपके सामने है, बैक सीटिंग आप देख लीजिए। यहाँ पे हेडरेस्ट दोनों में ही तीन तीन दिए हुए हैं हाइट एडजस्ट भी, लेकिन यहाँ पे देखिए एक आपको आर्मरेस्ट और मिल जाएगा विद टू कप होल्डर्स, सॉफ्ट आर्मरेस्ट है, ये पीछे की सीटिंग के कम्फर्ट को बढ़ा देता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका फ़ोन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग के टाइम पे रास्ते में डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे देखिए टाइप सी ये दो पोर्ट्स भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ पॉकेट्स मिल जाएंगी दोनों सीटों के, आगे की दोनों सीटों के बैक साइड पर। बाकी ऊपर साइड आप इसमें भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर पीछे की सीटिंग में जो भी डिफरेंसेस थे दोस्तों वो मैंने आपको बता दिए, अब चलते हैं आगे की साइड पर फीचर डिफरेंसेस देखने, और स्टार्ट करते हैं हम एक्टिव वेरिएंट से। चलिए बैठ जाते हैं इसकी ड्राइविंग सीट में और देखते हैं फीचर्स फटाफट, जिससे समझ में आए क्या क्या हैं डिफरेंसेस। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इस गाड़ी को अंदर से, आपने डैशबोर्ड उसका देखा था, इसका चेक किया, डिफरेंसेस आपको डेफिनेटली इसमें मिले हैं। बाकी हम चालू करते हैं इस साइड से, आप देखते चलिए। दोस्तों इस गाड़ी का जो मीटर है यहाँ पे आपको डिफरेंस देखेगा, ये टू डायल मीटर आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसमें इधर स्पीडोमीटर है, इस साइड पे आरपीएम मीटर है, सेंटर पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया हुआ है, और इसमें देखिए तो यहाँ पे जो इसका एमआईडी डिस्प्ले है उसी में देखिए इंजन टेम्परेचर और यहाँ पे देखिए फ्यूल गॉज की यहाँ पर रीडिंग्स आएंगी। इसके बाद यहाँ से आप इसमें इंफॉर्मेशन को चेंज करके चेक कर सकते हैं, देखिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसमें नहीं आएंगी, कुछ ही चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो इसमें आपको टच म्यूजिस्टम मिलेगा, लेकिन छोटा 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये वायर्ड है यानी थ्रू यूएसबी पोर्ट, इसमें डेटा केबल आपको लगाना पड़ेगा अपने फ़ोन पर, तब जाके ये फीचर्स कनेक्ट होंगे। बाकी इस साइड पर देख लीजिए इसमें मिल जाएगा, यानी एक्टिव वेरियंट में मैनुअल एसी आता है। बाकी इस साइड पर चेक कर लीजिए, दिखा देता हूँ, तो देखिए इधर भी कोई टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 12 वोल्ट का पावर आउट दे रखा है। इस साइड पे देख लीजिए, बाकी ऊपर चलते हैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ये देखिए इधर दोस्तों आपको कोई भी सनग्लास होल्डर वगैरह ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। फटाफट आपको एक झलक मैं दिखा देता हूँ सारी चीज़ों की। इसका जब हम बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर नॉन कूलिंग फीचर है, ये देखिए इधर आपको कोई भी लीवर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिए क्विकली इस गाड़ी के जो भी फीचर्स थे वो चेक करें, डिफरेंसेस तो तभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा इसका एम्बिशन वेरिएंट। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं कुशाक एम्बिशन वेरिएंट को अंदर से और दिखाते हैं आपको क्या क्या है फीचर डिफरेंसेस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसा पहले दिखाया इसकी फिनिशिंग ज़्यादा बेटर है, इस साइड पर आ जाइए और चलिए अब आपको दिखाते हैं डिफरेंसेस। तो इधर साइड पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्टीयरिंग मैंने आपको चेक करा दिया था, इसका स्टीयरिंग ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। दोस्तों एज अ सेफ्टी यहाँ पे आपको दो फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल दे रखा है, यानी अगर आप गाड़ी को स्टीपी पोजीशन पे चला रहे हैं, गाड़ी स्टीप्स है, ढलान है, तो उस वक्त जब हम ब्रेक को
छोड़ के एक्सीलेटर तक जाएंगे तो कुछ सेकंड के लिए गाड़ी होल्ड मोड पे रहेगी, उसके बाद वो रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे आपको समय मिल जाएगा, आप इजीली ब्रेक से एक्सीलेटर तक जा सकते हैं, ये फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी एज अ सेफ्टी एक्स्ट्रा मिल जाता है। चलिए एक और डिफरेंस की बात करते हैं, तो ये देखिए इसका मीटर, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ये 4 डायल है, कैसे देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे राइट साइड पे, तो देखिए स्पीडो मीटर है, उसके नीचे फ्यूल गॉज की यहाँ पे अलग से निडल दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब चेक करेंगे तो ये देखिए इसमें आरपीएम मीटर है और उसी के नीचे यहाँ पे इंजन टेम्परेचर की अलग से निडल मिल जाएगी। साथ में इसका जो ये MID डिस्प्ले है दोस्तों, ये भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स चेक करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया एक और डिफरेंस इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल में। चलिए बात करते हैं एक बड़े डिफरेंस की दोस्तों, इसमें आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। साथ में दोस्तों ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, यानी आपको कोई वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ब्लूटूथ वाईफाई को ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रीमियम फीचर इसमें मिल जाता है, साथ में डिस्प्ले बड़ा है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी दोस्तों इस साइड पर चेक कर लेते हैं, तो एक और बड़ा फीचर डिफरेंस है, आपने देखा था एक्टिव पे मैनुअल एसी है, वहीं पे इसमें आपको मिल जाएगा ये देखिए टच पैनल पे क्लाइमेट्रॉनिक एसी। बस आपको टेम्परेचर को सेट करना है, वो टेम्परेचर ये केबिन पे मेंटेन रखेगा, ऑटो मोड पे अगर आप इसको कर देंगे। तो ये एक और फीचर डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए टाइप सी के ये 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे जो कि मिसिंग थे इसमें एक्टिव में। अब इस साइड पर देख लेते हैं, तो ये देख लीजिए इधर तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, इधर भी डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस यहाँ पर निकला, ये देखिए इसमें आपको मिल जाएगा सनग्लास होल्डर। तो ये भी अच्छा फीचर है, अपने गॉगल्स वगैरह उसमें रख सकते हैं। बाकी इस साइड पे देख लीजिए और इस साइड पे देख लीजिए। अब एक और बड़े डिफरेंस की तरफ चलते हैं, वो है इसके बॉक्स के अंदर। यहाँ देखिए इसमें ये नॉब दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा कूल ग्लोब बॉक्स। कोई भी सामान को आप इसमें रखेंगे वो ठंडा बना रहेगा, एसी ऑन होना चाहिए और स्लीवर को कर दीजिए ऑन। तो दोस्तों ये थे डिफरेंसेस, कुछ और रह गए हैं वो भी बता दूँ। तो देखिए इसमें आपको मिल जाएगा क्रूज़ कंट्रोल, तो ये भी अगेन एक बड़ा और अच्छा डिफरेंस है इन दोनों वेरियंट्स में। एम्बिशन वेरियंट क्रूज़ कंट्रोल को कवर करता है। इसके बाद जैसे ही मैं लगाऊँगा इस गाड़ी पर रिवर्स गियर, रिवर्स गियर लगाने के लिए लीवर को ऐसे करिए इधर तरफ, और देखिए पहले मैंने पीछे आपको उसका कैमरा चेक कराया था, तो उसका देखिए डिस्प्ले इसके म्यूजिक सिस्टम पे आ रहा है, तो यहाँ पे बीप एंड डिस्प्ले यानी पीछे का व्यू दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी गाड़ी को बैक करते समय। तो इस गाड़ी को बैक करना ज़्यादा इजी है एक्टिव के मुकाबले। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी छोटे बड़े डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको चेक करा दिए इन दोनों गाड़ियों के। अब चलते हैं देखते हैं कितना प्राइस में डिफरेंस है, तभी समझ में आएगा कौन सी गाड़ी इन दोनों में आपको लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट सूटेड है। सो दोस्तों यहाँ पे स्कोडा कुसा का बेस एंड वेरिएंट एक्टिव एंड ऊपर वाला एम्बिशन में जो भी फीचर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की, एक्स शोरूम एंड ऑन रोड, फिर आगे समझेंगे कौन सी गाड़ी बेस्ट निकल के आ रही है प्राइस के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम एक्स शोरूम कॉस्ट, यहाँ पे मैं दोनों गाड़ियों के दोस्तों सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन को लूँगा, क्योंकि एम्बिशन में ऑटोमेटिक आता है बट ऑटोमेटिक एक्टिव में नहीं आता, तो जिनको ऑटोमेटिक लेनी है उनके लिए कंपेरिजन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्स शोरूम कॉस्ट की, मैनुअल ट्रांसमिशन एक्टिव वेरियंट का 10,99,000 रुपीज़ और एम्बिशन का है 12,79,000 रुपीज़, यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,80,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस मैं यूपी कर लूंगा, सिर्फ कंपलसरी चार्जेस को इसमें ऐड करेंगे, यहां पे 12,60,980 रुपीज कैलकुलेट होके आ रहा है एक्टिव का ऑन रोड प्राइस, और एम्बिशन का है 14,65,713 रुपीज का। यहाँ पे दोस्तों ऑन रोड पे डिफरेंस आ गया 2,04,733 रुपीज। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्राइसेस चेंज हो चुके हैं, प्राइसेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो फाइनल प्राइसिंग के लिए आप डीलर पे विजिट करके कन्फर्म करिएगा। बाकी दोस्तों डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो वो आपको मिल रहा है दोनों गाड़ियों में 2 लाख। अब 2 लाख रुपए में यहाँ पे क्या क्या मिलता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक्टिव वेरिएंट, जिसका बेस एंड वेरिएंट है, हालांकि वो भी एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें कोई कमी नहीं है, इसके बेस एंड वेरिएंट से ही आप अगर एक्सटीरियर प्रोफाइल इस गाड़ी की चेक करिए तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, कहीं से भी गाड़ी बेस एंड नहीं दिखती है। फ्रंट में सिग्नेचर क्रोम ग्रिल दे रखी है जो कि स्कोडा की है, क्रोम इंसर्ट्स के साथ है, काफ़ी खूबसूरत ये लगती है। इसके अलावा अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखिए, रियर प्रोफाइल देखिए इस गाड़ी का, तो ये गाड़ी
आउटर से यानी एक्सटीरियर प्रोफाइल इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि रिमोट सेंट्रल लॉकिंग इसमें कंपनी फिटेड आती है, चारों पावर विंडोज मिल जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम इनफैक्ट बेस एंड वेरियंट से ही 7 इंच का टच आ जाएगा 6 स्पीकर्स के साथ। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है वो भी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला म्यूजिक सिस्टम आपको बेस एंड से ही मिल जाता है। साथ में दोस्तों कंफर्ट को बढ़ाने के लिए पीछे की सीटों पे 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो कि हाइट एडजस्टेबल दिए हुए हैं। और एज अ सेफ्टी इसके बेस एंड वेरिएंट में दोस्तों बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। ड्यूअल एयरबैग है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, रोल ओवर प्रोटेक्शन है और भी बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। यानी यहाँ पे बेस एंड वेरिएंट से कोई भी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अब आते हैं 2 लाख रुपए जब आप एक्स्ट्रा पे करते हैं और जाते हैं एम्बिशन की तरफ, तो आपने देखा बहुत सारे फीचर डिफरेंसेस छोटे बड़े मिला के। अगर हम बड़े बड़े फीचर्स को एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कर लें तो यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ गया। इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं, एलॉय व्हील्स है जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को बेटर लुक देता है, रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs हैं जो कि की सिंक के साथ यानी लॉक अनलॉक के टाइम पे भी ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों रियर आर्मरेस्ट है इस गाड़ी पे 10 इंच का, यहाँ पे म्यूजिस्टम का साइज बड़ा हो गया और रिवर्स पार्किंग कैमरे का डिस्प्ले आ गया, यानी गाड़ी को बैक करना इसमें और आसान है। ऑटोमेटिक AC जो कि क्लाइमेट्रॉनिक है यानी टच पैनल पे दिया हुआ है, अगेन एक प्रीमियम फीचर मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल इसमें एक अच्छा फीचर दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर इस गाड़ी का जैसे ही आप ड्राइवर डोर ओपन करेंगे और अंदर के फिनिशिंग चेक करेंगे डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको फिट एंड फिनिश ज़्यादा बेटर मिलेगी। एम्बियंट मूड लाइट दे रखी है जो कि इस गाड़ी को ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और एज अ सेफ्टी इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल भी दिया हुआ है और भी बहुत कुछ इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हमने आपको फटाफट एक बार फिर से रिकॉल कराई। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक्टिव वेरिएंट लेते हैं और 2 लाख रुपए आप सेव भी करते हैं तो कहीं से आप गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर किसी को बेसिक गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो वो एक्टिव पे जाए, आपको मतलब भर का सब कुछ मिल जाएगा। इवन आपको बाहर से कोई भी मॉडिफिकेशन भी कराने की इसमें एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपये और इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एम्बिशन वेरिएंट भी कहीं से बुरा नहीं है। यानी अगर आप 2 लाख रुपये एम्बिशन वेरिएंट में देते हैं तो दोस्तों आपको 2 लाख के हिसाब से फीचर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। इसमें कुछ तो ऐसे फीचर है जो आप बाद में कभी भी लगवा भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट अपने अपने कैटेगरी में बहुत अच्छे हैं, बस डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट। अगर एक्टिव वेरिएंट से पूरी हो रही है तो हम एक्टिव ले लें, और अगर हमारी रिक्वायरमेंट एम्बिशन वेरिएंट के फीचर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और आप 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो एम्बिशन वेरिएंट भी दोस्तों अपनी जगह पे प्राइस को देखते हुए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये थे मेरे आज का कंपैरिजन। बाकी दोस्तों आपने इन सब चीज़ों को चेक किया, चाहे फीचर्स हो प्राइस हो, अब आप बताइए आप अगर स्कॉडा लेते एक्टिव या एम्बिशन कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कार दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपना मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।